हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज है मकर संक्रांति, हमारे यहाँ 14 तारीख को संक्रांति मनाई गई थी। और आपके यहाँ कब मनाई गई थी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मेरी एक साइड खीर बन रही है और एक साइड मैं पूड़ी भी निकाल रही हूँ। मतलब सारे काम मैं एक साथ ही कर रही हूँ। हाथ तो मेरे दो ही हैं लेकिन मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी निकाल ली है, मुझे लगाना है भगवान जी का भोग। तो बस मैंने एक प्लेट ले ली है और मैं उसमें निकाल रही हूँ पूड़ी। पूड़ी मैंने निकाल ली है और मैं मंगौड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांति के मेन मंगौड़े होते हैं। तो बस मैं बस वही निकाल रही हूँ, प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या बना था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने ज़्यादा कुछ सूट तो नहीं कर पाया है, लेकिन मैं मतलब जितना हुआ है मुझसे, बस खाना बनाते हुए बस मैंने इतना ही कर पाया है। और मैंने क्या किया था वो तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि अकेले नहीं हो पाता, उधर सभ्या भी छोटे हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो कुछ तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। तो बस मैं यहाँ पे किसी रिद्धि को बुला रही थी, पता नहीं सभ्य आ गए थे तो मैं उससे कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ भगवान जी के लिए खीर। खीर मेरी बन गई है, एक साइड रखी है और साथ ही साथ पूड़ी भी निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैं बार बार सभ्या को देख रही हूँ, क्योंकि सभ्या और सौर्या दोनों बाहर हैं, तो ये दोनों ना लड़ जाते हैं, तो सौर्या सभ्या की पिटाई कर देती है। तो इसलिए मुझे बार बार किचन में से बाहर भी देखना पड़ रहा था कि सभ्या क्या कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें चीनी, क्योंकि अभी मेरी खीर में चीनी नहीं डली है। और चीनी मैं तब डालूँगी जब पापा के लिए निकालूँगी, पापा मीठी खीर नहीं खाते हैं, तो मैं पापा के लिए निकालूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ भोग लगा के, और अब मुझे देना है, मैं रिद्धि को बुला के लाई। रिद्धि पहले खाना खा लो, उसके बाद मुझे टिफिन लगाना है। तो रिद्धि बोल रही थी कि मुझे बस एक पूड़ी और सब्जी देना, मुझे खीर मत देना, रिद्धि हमारी खीर नहीं खाती है। तो मैंने रिद्धि को खाना निकाल के दे दिया है। अब रिद्धि को देने के बाद मैं अब निकालूंगी, मतलब अब मैं टिफिन के लिए पूड़ी निकालूंगी। तो अब मुझे लगानी है टिफिन, क्योंकि टिफिन भेजनी है दुकानों पर। तो बस मैं वही पूड़ी, अब मैं खीर भी देखती जा रही हूँ साथ साथ में कि खीर में कुछ मतलब कमी तो नहीं है। तो बस मेरी खीर बन चुकी है, मुझे खीर में इलायची डालनी है और डालनी है चीनी। बस ये दो काम खीर में बाकी रह गए हैं, तो बस वही करना है। और साथ ही साथ मैं पूड़ी भी निकाल रही हूँ। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया था, क्या क्या किया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक भी कर दिया करो। सब्सक्राइब भी नहीं करते अब, लाइक भी नहीं करते हो, लाइक और सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी होती है, तो प्लीज़ कंजूसी ना किया करें, एक लाइक भी कर दिया करो। और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो बस मैंने वीडियो मेरी इतनी बनी थी, तो अब मैं करूँगी वीडियो। मतलब ज़्यादा मैंने बना ही नहीं पाई थी, मैंने कुछ जो कुछ भी किया था तो मेरी वीडियो नहीं बन पाई। और यहाँ पे देखो शाम हो गई है और ये सब भी अब लड़की बनी बैठी हैं। और ये देखो कपड़े भी नहीं पहने हैं, चोटी बना ली है और पजामी पहनी नहीं है, नंगो पंगो बैठी है। तो बस शाम को मैं सभ्या को पहना रही थी कपड़े और मैं इसकी चोटी भी बना दी थी। इसके बाल ना बहुत बड़े हो गए हैं, तो बाल ना थोड़ा आगे आ जाते हैं, तो मैंने एक छोटी सी रबड़ मिल गई थी मुझे, तो मैंने चोटी बना दी। और देखो सौर्या दूसरी रबड़ लगा रहे, बोला नहीं एक और लगा दो। मैं सौर्या से मना कर रही थी, मैं नहीं एक ही लगी रहने दो, तो सौर्या बार बार दूसरी लगा रहे हैं, तो मैं ब्लॉक का कर रही हूँ।